यहाँ कुरुक्षेत्र के एसएआई स्टेडियम में बहुत सारे और भी एथलीट्स हैं जो इंडियन टीम को अपना मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या सोचते हैं आप लोग कि पहली बारी विमेंस टीम पहुंची है सेमीफाइनल में? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार इंडियन टीम्स हॉकी की वुमेन्स फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल पहुंची है, तो हमें लग रहा है कि वो अब की बार फाइनल भी क्लियर करेंगे, गोल्ड मेडल लाएंगी इंडिया के लिए। आप लोग एथलीट से रनिंग करते हैं, आपके स्पोर्ट्स में क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या ओलंपिक फॉलो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर? यस मैम, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने, किस तरह से क्या सीख रहे हैं और आप लोग किस तरह ट्रेनिंग करते हो? जो मैम हमारा जो अनिवास सावले है प्लेयर है वो बढ़िया स्टीपल चेस का है, तो उससे भी हमें वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हम वर्कआउट अपने प्रॉपर करें और जो अपने देश के लिए मेडल लेके आए। ओलंपिक में हर एक एथलीट की इच्छा होती है हम अपने देश के लिए मेडल लेके आए और अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। आपका नाम क्या है? रविंदर नाम है। आपका नाम क्या है? अंजलि। आप नेशनल लेवल प्लेयर, आप नेशनल लेवल भी खेली हैं, किस तरह से आपको लगता है कि और सपोर्ट मिलनी चाहिए एथलीट्स को, क्या क्या ज़रूरतें हैं आप लोगों की जिससे आप लोग को लगता है कि और मेडल आएंगे खेलों में? प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए प्रॉपर और वर्कआउट, तो उसके लिए मदद मिल रही है सरकार से, कोचेस से क्या मदद मिल रही है आप लोग को? कोचेस से तो मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है अच्छी वाली है, बस सरकार क्या दे रही है अभी तो कुछ नहीं दे रही है। अच्छा, तो क्या चाहते, क्या उम्मीद रखते हैं आपकी, क्या होना चाहिए कि और आप लोगों को मदद मिले, क्या मिलना, क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर कुछ नहीं जी, बस थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है हम लोगों को, तो ठीक है, जिससे हमको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। अच्छा, बस इसके ऊपर अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएं या फिर हम खेल के जहाँ से हमारी स्कॉलरशिप वगैरह आती है, स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, उससे थोड़े बहुत आ जाते हैं पैसे, तो हम डाइट वगैरह का अपना खर्चा निकाल ही लेते हैं इधर उधर काम वगैरह करके या फिर कुछ करके, ठीक है, डाइट मिल जाती है तो हमारा वर्कआउट हो जाता है, और अगर डाइट नहीं है तो फाइट कैसे होगी। क्या नाम है आपका? मिस्टर गोविंद। गोविंद, आप भी एथलीट, आप भी रनिंग कर? हाँ जी। तो ये थे हमारे कुछ और एथलीट्स, यंग एथलीट्स जो आगे जाकर मेडल लाने की उम्मीदें रखते हैं और हॉकी टीम को आज के मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अनिशा माथुर, आज तक।